टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज डीकम्पोजिशन ऑफ इथेन। सो यहाँ पे हम इथेन का डीकम्पोजिशन देखने वाले हैं। तो एज यूजुअल आपको ये मैकेनिज्म है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, जो इथेन है दैट डीकम्पोज इनटू टू CH3 फ्री रेडिकल, एंड यहाँ पे जो रेट कॉन्स्टेंट होगा दैट इज K1। नाउ द सेकंड स्टेप इज CH3 फ्री रेडिकल है, ये कंबाइन होगा हमारे पास इथेन के साथ एंड दे फॉर्म CH4 मिथेन एंड C2H5 फ्री रेडिकल। नाउ द थर्ड स्टेप इज C2H5 फ्री रेडिकल जो यहाँ पे हमारे पास आया है, इसका जो रेट कॉन्स्टेंट होगा K3, दे फॉर्म C2H4 प्लस H3 रेडिकल। नाउ द फोर्थ स्टेप इज H3 रेडिकल दे कंबाइन विद C2H6 इथेन एंड दे फॉर्म C2H5 फ्री रेडिकल प्लस H2। एंड फिफ्थ स्टेप इज यहाँ पे हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं जिसके C2H5 फ्री रेडिकल के, दे कंबाइन एंड दे फॉर्म ब्यूटेन। एंड इसी तरीके से सिक्स स्टेप है, यहाँ पे दो हमारे पास मॉलिक्यूल है किसके, फ्री रेडिकल के, C2H5 फ्री रेडिकल के, एंड दे फॉर्म C2H6 एंड C2H4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है, इथेन का एंड इथाइलिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेट रेट लिखेंगे किसका, नेट रेट फॉर इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइलिन क्या है हमारे पास, C2H4। ठीक है, सो dy/dt ऑफ C2H4। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कहां पे हो रहा है, C2H4। सो हमारे पास थर्ड स्टेप अगर हम देखें, सो यहाँ पे C2H4 का फॉर्मेशन हो रहा है, सो यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, K3 एंड C2H5 फ्री रेडिकल। सो C2H5 एंड और हमारे पास कहां पे हो रहा है C2H4, यहाँ पे भी इसका फॉर्मेशन हो रहा है, सो इसका भी रेट लिख लेंगे प्लस K5B एंड देर इज C2H5 फ्री रेडिकल, देर आर टू मॉलिक्यूल, सो स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको इसका रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक जो हमारे पास रेडिकल्स होते हैं उनके लिए स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं 4CH3 फ्री रेडिकल, सो dy/dt ऑफ CH3। सो हम यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल जो है इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या हो जाएगा, रेट इज K1C2H6। सेकेंड स्टेप में CH3 का क्या हो रहा है, डीफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, -K2 एंड देयर इज CH3 एंड C2H6। अगर हम थर्ड स्टेप देखें तो थर्ड स्टेप में हमारे पास CH3 का नाइट फॉर्मेशन और नाइट डीफॉर्मेशन, तो ये हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। फोर्थ स्टेप में भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो यही हमारे पास दो स्टेप आ जाएंगे, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है एंड सिक्स स्टेप में भी नहीं है। ऑलराइट, सो इसको हमने इक्वल रख दिया जीरो के, एंड सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसी तरीके से हम यहाँ पे ले लेते हैं नेट रेट फॉर CH3 फ्री रेडिकल के लिए लिया था, अब हम लेंगे C2H5 फ्री रेडिकल के लिए। ठीक है, सो C2H5 फ्री रेडिकल के लिए अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक फर्स्ट स्टेप तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे C2H5 नहीं बन रहा, नहीं यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है, सो इसीलिए K2 को प्लस लेंगे, सो K2 इंटू CH3 C2H6। देन थर्ड स्टेप में हमारे पास इसका डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो नेगेटिव साइन आ जाएगा, सो -K3C2H5। ठीक है, देन यहाँ पे हमको एक चीज कंसीडर करनी है, लाइक जब भी हम थर्ड स्टेप लेंगे K3 वाला जो स्टेप लेंगे, इसके साथ आपको क्या लेना है, K3 के साथ आपको ऑलवेज कंसीडर करना है कि यहाँ पे हमारे पास C2H6 हाफ प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने K3 लिया है, तो यहाँ पे हम और क्या लेंगे साथ में, आपको लाइक ये याद रखना है इस स्टेप के अंदर डीकम्पोजिशन ऑफ इथेन के अंदर, तो यहाँ पे इसके साथ हम लेंगे C2H6 रेस टू दी पावर हाफ। ठीक है, सो इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है कि यहाँ पे हम इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ स्टेप के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, C2H5 का फॉर्मेशन हो रहा है, सो प्लस ले लेंगे K4 एंड देन H एंड C2H6। ठीक है, अब हम अगर फिफ्थ और सिक्स स्टेप को देखें, सो यहाँ पे हमने लिया है K5A प्लस K5B।
ठीक है, दोनों का जो रेट होगा इसको हम किसके इक्वल लिखेंगे, इसको लिखेंगे के फाइव के इक्वल। ठीक है, तो यहां पे हम क्या ले सकते हैं, प्लस के फाइव, सॉरी माइनस आएगा के फाइव, क्योंकि यहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो के फाइव एंड देन सी टू एच फाइव, यहां पे दो मॉलिक्यूल है सो आ जाएगा स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज यहां पे हमने क्या लिया है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सो इसको हमने इक्वेशन मान लिया थर्ड। ठीक है, इसी तरीके से हम यहां पे लेंगे नेट रेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे हमने सी एस थ्री फ्री रेडिकल लिया, यहां पे हमने सी टू एच फाइव फ्री रेडिकल, एंड हमारे पास और कौन सा फ्री रेडिकल है, एच फ्री रेडिकल। सो एच फ्री रेडिकल हमारे पास कहां कहां पे है, फर्स्ट स्टेप में नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड स्टेप में यहां पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, सो के थ्री प्लस में आ जाएगा, सो के थ्री एंड सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव। ठीक है, इसमें फोर्थ स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंड हमने क्या बोला था, के थ्री जब भी लेंगे उसके साथ सी टू एच सिक्स लेंगे, सो यहां पे भी हम ले लेते हैं सी टू एच सिक्स रेस टू दी पावर हाफ, एंड देन फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, सो माइनस का साइन के फोर एंड एच सी टू एच सिक्स, और हमारे पास फिफ्थ स्टेप में भी नहीं है, सिक्स में भी नहीं है, ऑलराइट। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर। अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन को ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। सो मैं यहीं पे ऐड कर देती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इतना लंबा स्पेस मेरे पास है नहीं लिखने के लिए, तो जब हम ऐड करेंगे एज इट इज ये इक्वेशन होगी, आप लॉन्ग फॉर्मेट में लिख देना, लाइक हम यहाँ पे अगर देखें सो के वन की हमारे पास यही टर्म है सबके अंदर, सो के वन एज इट इज आ जाएगा, के वन सी टू एच सिक्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे के टू की बात करें सो के टू सी एस थ्री सी टू एच सिक्स, ये नेगेटिव साइन में है एंड ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वाली जो वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सो ये कैंसिल आउट हो गई। इसी तरीके से अगर हम के थ्री की बात करें सो यहाँ पे हमारे पास के थ्री सी टू एच फाइव सी टू एच सिक्स रेस टू द पावर हाफ है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास सेम यही इक्वेशन है, तो ये नेगेटिव है एंड ये पॉजिटिव है, सो ये दोनों भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसी तरीके से के फोर की बात करें, ये वाली इक्वेशन एंड ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास सेम, सो के फोर भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे के फाइव सी टू एच फाइव होल स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू जीरो, सो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यहां से हम सी टू एच फाइव की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो इसको हम क्या करेंगे के फाइव सी टू एच फाइव होल स्क्वेयर दिस विल बी इक्वल टू के वन सी टू एच सिक्स, ये इस तरीके से लिख लेंगे। अब हम यहां से क्या करेंगे सी टू एच फाइव होल स्क्वेयर दिस विल बी इक्वल टू के वन बाय के फाइव, ये फाइव के फाइव क्या है इसके नीचे चला जाएगा एंड देन सी टू एच सिक्स। ठीक है, अभी स्क्वेयर है इसको हम रिमूव कर देंगे, सो स्क्वेयर को जब हम रिमूव करेंगे तो यहां से हमारे पास सी टू एच फाइव की वैल्यू क्या आएगी सी टू एच फाइव, यहाँ पे स्क्वेयर था इसको रिमूव किया सो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी हाफ के वन बाय के फाइव रेस टू दी पावर हाफ, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या सी टू एच सिक्स रेस टू दी पावर हाफ। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी टू एच फाइव फ्री रेडिकल की। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप हमने देखा था तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा था इथाइलीन का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सेकेंड स्टेप है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा फॉर्मेशन जो होगा हमारे पास इथाइलिन का वो होगा हमारे पास थर्ड स्टेप के अंदर। ठीक है, सो ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, सो इसको हम यहां से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एंड देन हमने बोला था जो के थ्री वाली जो टर्म है इसके साथ हमेशा क्या आएगा, यहां पर आएगा सी टू एच सिक्स रेस टू दी पावर हाफ, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सी टू एच फाइव वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सो डी बाय डी टी ऑफ सी टू एच फोर, तो यहां पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के थ्री एंड यहां पे पुट कर देंगे वैल्यू ये, सो के वन बाय के फाइव रेस टू दी पावर हाफ सी टू एच सिक्स रेस टू दी पावर हाफ, एंड यहाँ पे हमारे पास ये है सी टू एच सिक्स रेस टू दी पावर हाफ, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी हाफ एंड हाफ वैल्यू सो वन हो जाएगी, सो के थ्री के वन बाय के फाइव रेस टू दी पावर हाफ सी टू एच सिक्स
याद रहेगा हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइलीन, ठीक है। सो दिस डिपेंड ओनली ऑन फर्स्ट ऑर्डर, लाइक अगर हम देखें ये वाली चीज हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है एंड दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो ये तो आगे हमारे पास रेट। इसी तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। सो एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से लेते हैं आप सभी को पता है, लाइक ये जो कॉन्स्टेंट है सिर्फ इसी वैल्यू को हमको देखना है। सो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो कॉन्स्टेंट है इसको लिखेंगे, सो E3 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग E3, देन ये जो पावर है ये क्या होगी आगे आ जाएगी प्लस 1/2, एंड देन हम ब्रैकेट लगाएंगे, जो हमारे पास ऊपर पावर है इसको हम प्लस में लेते हैं एंड जो डिवाइड में इसको हम नेगेटिव में। सो के सॉरी E1 लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे E1, क्योंकि K1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी E1 एंड K5 के अकॉर्डिंग E5। सो ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चेन लेंथ निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। सो चेन लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, चेन लेंथ विल बी इक्वल टू ओवरऑल रेट डिवाइडेड बाय इनिशिएशन रेट। सो हमारे पास ओवरऑल रेट क्या है, ओवरऑल रेट विल बी इक्वल टू K3 K1 / K5 रेस टू दी पावर हाफ C2H6, ठीक है। सो ये हमारे पास वैल्यू है, यहाँ से हमारे पास इनिशिएशन रेट मतलब जो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास जो रेट होगा वो लिखेंगे। सो डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा K1 C2H6। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद ये C2H6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यहाँ पे K1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हाफ है, सो ये K1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज K3 1/K1 K5 रेस टू दी पावर हाफ। सो ये आ जाएगी हमारे पास चेन लेंथ की वैल्यू। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा डीकम्पोजिशन ऑफ इथेन। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।